हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के नए फीचर के बारे में। बहुत ही मजेदार सा फीचर है, आपको बिल्कुल मजा ड्राइव आ जाएगा इसको सुन के। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो यार, एक यूट्यूब नया फीचर लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है क्लिप। बहुत ही मजेदार सा जो है फीचर है, आपको बहुत ही मजा आएगा इसको यूज करने में। बेसिकली इसका काम क्या होगा कि आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसको कुछ पार्ट बहुत ज्यादा मजेदार होता है फनी वीडियोस में, या कोई ऐसी वीडियो है जिसको एक पर्टिकुलर पार्ट आपको पसंद आ रहा है, 5 सेकंड से 30 सेकंड के आसपास तक का कोई पार्ट है। जैसे आप कैरी विनाती के बहुत सारे मीम्स में देखते होंगे कि वो एक छोटा सा पार्ट होता है 5-10 सेकंड का, जो बहुत ही ज्यादा फनी होता है। या कोई वीडियो है, आप बताना चाहते हैं किसी दोस्त को कि भाई ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आपने देखा भी होगा कि टाइम लैप्स लिख के वहां पर शेयर करते थे पहले वीडियो को, कमेंट्स में भी टाइम लैप्स आपको देखने को मिलते थे। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते थे वो वीडियो वहीं से स्टार्ट होती थी। लेकिन अब यहाँ पे डिफॉल्टली क्या होगा, वीडियो के नीचे ही आपको एक क्लिप का बटन देखने को मिलेगा, जहाँ शेयर वगैरह के बटन होते हैं ना, लाइक डिसलाइक और शेयर वगैरह के बटन होते हैं, वहीं पे आपको एक बटन देखने को मिलेगा क्लिप का। अब वहां पे उससे होगा क्या, जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हो और आपको लगा कि यहाँ से इस वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही फनी है, तो आप सिंपली उस क्लिप पर क्लिक करेंगे और वहां से आपके पास कई सारे फीचर्स खुल के आ जाएंगे कि आप कितने टाइम पीरियड का जो है वो वीडियो सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप 5 सेकंड से 30 सेकंड तक की वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई कहां से कहां तक की वीडियो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको उस क्लिप का नाम देना होगा और अब आपकी क्लिप बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी दोस्त के साथ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब इससे भी ज्यादा मजेदार चीज ये है कि जैसे ही आपने कोई अपनी क्लिप बना ली, तो ऐसा नहीं है कि शेयर करी और खत्म हो गया काम। तो जैसे ही आप अपने होम पेज पर जाएंगे यूट्यूब के, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक क्लिप का ऑप्शन। अब वहां पर जितने भी आप क्लिप बनाएंगे वो सारी की सारी वहां पर सेव हो जाएंगी। सपोज ये जो बेसिकली फीचर बनाया जा रहा है, ये जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं यानी कि जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि उसमें कई बार लोगों को कुछ मूवमेंट्स ऐसे लगते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा मजेदार। अब लाइव स्ट्रीम होती है 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लंबी, तो बार बार उन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम होती थी, तो उनके लिए ये फीचर बेसिकली रोल आउट किया जा रहा है। अब उसमें होगा क्या कि आप किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और आपको लगा कि यार ये वाली किल, जैसे पबजी वगैरह होते हैं ना कि ये वाली किल बहुत ज्यादा जबरदस्त है, या फिर ये वाला मूवमेंट बहुत ज्यादा फनी है, कैरी विनाती का मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो वहीं पर आप सिंपली क्लिप का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वहां पर अपनी क्लिप बना लेंगे उस मूवमेंट की, और उसे सेव कर लेंगे अपने क्लिप में। अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी दोस्त के साथ तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपकी क्लिप जो सेक्शन है उसमें बहुत सारी वीडियोज जो है भर गई है, आपको डिलीट करना है, तो आप वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। सो अब ये वाला झंझट खत्म हो जाएगा कि आपको बताना नहीं पड़ेगा अपने दोस्तों को कि यहाँ से यहाँ तक की वीडियो है। और ये वाली बेसिकली ये वाली चीज जो है ये क्रिएटर्स के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो छोटे छोटे कई बार ऐसी वीडियो के क्लिप शेयर करने चाहते हैं लोग अपने दोस्तों के साथ, लेकिन नहीं कर पाते। और अगर इस तरीके की जो फीचर मिलेगा लोगों को शेयर करने का छोटी छोटी क्लिप्स को, तो जैसे ही आपकी कोई छोटी क्लिप्स किसी को शेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस कई बार बढ़ जाते हैं कि वो आपकी वीडियो को पूरा देख लेगा। अगर आपकी 5-10 मिनट की वीडियो है, आपका कोई मूवमेंट शेयर कर दिया आपके दोस्त ने अपने दोस्त के साथ, तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस वीडियो को वो पूरा देख ले, क्योंकि जैसे ही वो क्लिप को खोलेगा तो वहीं पर एक ऑप्शन साइड में आएगा कि आप पूरी वीडियो भी ये वाली देख सकते हैं। तो ये क्रिएटर के लिए भी बहुत ज्यादा जो फीचर है वो फायदेमंद होने वाला है, और जो यूजर्स हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग सा एक फीचर रोल आउट करने वाला है यूट्यूब। और अभी तक सभी चैनल्स को नहीं मिला, धीरे धीरे कुछ चैनल्स को ये मिलेगा, बीटा वर्जन में लॉन्च करेंगे उसके बाद सब चैनल्स को ये मिल जाएगा। सो आपको ये फीचर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो क्रिएटर इनसाइड जो यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर जा सकते हैं, लिंक मैं उस वीडियो का नीचे दे दूंगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सी वॉइस आ रही है बाहर से कुत्तों के भोंकने की, 1:30 बज रहे हैं रात के, बहुत देर से वेट कर रहा था ये चुप हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ। सो आपको कैसा लगा ये फीचर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।